चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 1,07,46,000 कुंटल गंदा क्रेश किया इस साल। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 15 दिन में पेमेंट नहीं देगा तो ब्याज सहित देना पड़ेगा, तो सरकार का काम है इस पे लागू करवाना। कहाँ है बापा का बुलडोजर भाई? इस वीर पर क्यों नहीं चलता बुलडोजर? नहीं हम साखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे वो हाथ में रहेगा। हमारे बीच में हमारे सदर विधायक पहले भी रंदर अपना नील वाला खाओगे क्या? मेरी चीज मेरी बात समझ में बात नहीं आ रही नील वाले की। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे 14 दिन में करने की पेमेंट करो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया 14 दिन में पेमेंट करो। यू नील वाला तगड़ा है तो कुछ अगर ना कोई जरूर भैंस का दूध पीवा गया दूध पीवा यू यू जो मैरिज है खिलवाड़ किया जा रहा है जानबूझ के किया जा रहा। एक RSS के गोवलकर थे उन्होंने कह रखा मैं गरीब कर दो तो फिर इनकी समझ में कुछ नहीं आनेगा, और जब इनकी समझ में कुछ नहीं आनेगा ये सोचना समझना बंद कर देंगे तो एक ही तरफ ध्यान हो जाएगा। अब हमने दूसरों में यकीन हो गया अब ये लोग हमने बचा सके। जिन लोगों ने देश के लिए जरा सा भी बलिदान नहीं दिया वे लोग बचावेंगे हमने। जय चौधरी, जय चौधरी, भाई अशरफ अली, प्रशांत चौधरी, राव वारिस, राष्ट्रीय लोकदल कि आपकी चीनी मिल शामली ने 1,07,46,000 कुंटल गन्ना क्रैश किया इस साल। इसकी रिकवरी 10.25 टू डेट है, ऑन डेट रिकवरी कुछ हो टू डेट कुछ हो 10.25 इसकी रिकवरी है। इसने जो चीनी बनाई है वो 1,00,00,000 बनाई है। इसने 1,00,00,000 रुपए का मैली और खोई बेची है, 10,00,00,000 का इसने सीरा बनाया है और भुगतान कुल 32% है। इसका खेल क्या है? इसका खेल ये है कि आप जितनी चिमनी बनाओगे उसे बंधक रखोगे। ये बंधक नहीं रख रहे, ये 60-60 सरकार के साथ है। बंधकता में इनको ब्याज देना पड़ता है और भुगतान करना पड़ता है, वो उस पैसे को बचा रहे हैं और हमें लूट रहे हैं, ये इसका काम है। अगर ये बंधक बनाएंगे चिमनी को मिल की चिमनी बैंकों में बंधक होगी आपका भुगतान होगा, लेकिन ये बंधक नहीं बनाते, जो बेचते हैं वही भुगतान करते हैं। उत्तर प्रदेश में मिल की जो स्थिति है, शामली मिल की क्या स्थिति है? सबसे खराब शामली जिले में जितनी तीनों मिल है इनसे खराब स्थिति किसी की नहीं, और सबसे बड़ा उत्पादक जिला हमारा, लेकिन यहाँ कितनी दयनीय स्थिति, किसी फैक्ट्री की ऐसे हो रही है, किसी को देना ही नहीं चाहते, पैसा नहीं देना चाहते किसान को। क्या वजह है इसके पीछे, क्या मान सकते? वजह तो इसके पीछे जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 15 दिन में पेमेंट नहीं देगा तो ब्याज सहित देना पड़ेगा, तो सरकार का काम है इस पर लागू करवाना, वो भी नहीं लागू हो रहा, अपनी मन मर्जी कर रहे सारी चीनू भी बैठी। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी था भाई, मोदी ने तोड़ ताड़ दी सब, वो तो ये उद्योग पर जो करा, मैं यूँ कहने लग रहा जो हमारा पैसा है गवर्नमेंट नहीं दे सकती, हमारा पैसा हमें मीर वाले बतेले तेरे ही हो गए। अरे हम तो होके के अलावा और कोई नशा भी नहीं करते, होक्का पीने के अलावा हमारे पास कोई नशा नहीं है, हमारे बच्चे बेकार। मोदी से बड़ा कोई है इस भारत में जो प्रधानमंत्री है आज की तारीख में? है ये मील वाले क्यों है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 14 दिन में गन्ने का भुगतान करो, करते नहीं कर लो जो कुछ करे। कहा है बापा का बुलडोजर भाई? इस मील पर क्यों नहीं चलता है बुलडोजर? वो बुलडोजर यहाँ चल रहे हैं, यहाँ जातिवाद पर लड़ावेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे और भुगतान हम देनी रे तमी तो दे। जो 40-40 दिन धरना जिया जिले में नो कहते 450 का भुगतान और 14 दिन में भुगतान, अब कहाँ चले गए? देश का प्रधानमंत्री झूठा है, गृह मंत्री झूठा है, मुख्यमंत्री झूठा है। दल छात्र सभा जिंदाबाद, दल छात्र सभा जिंदाबाद।
क्या स्थिति है खेती की, क्या बदलाव नजर आ रहा है और क्या स्थिति? तो ऐसी है फिलहाल, पेमेंट दे नहीं पा रहा गन्ने का मिल, और जो हमारी पेस्टिसाइड है प्रतिदिन वो बढ़ती जा रही खेत, मतलब उसकी मांग बढ़ती जा रही खेत में, उस पर जीएसटी पर जीएसटी लगती जा रही, उसका रेट बढ़ता जा रहा, पेमेंट हो नहीं पाता, किसान उस दुकान से जिस तक पेस्टिसाइड खरीदते हैं उस पर और कर्ज बंद हो जाए उसका, अब इस पर निर्भर रह जा किसान। मजदूर क्या है, वो तो अपना खुदाई करेगा, 400 रुपये अपने शाम को मांगने आ गया लिए आ लगा।